वहीं बेमेतरा जिले के देवर बीजा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इस बार स्कूल के शिक्षकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्रेस लाने के नाम पर पैसा लेने का शिक्षकों पर आरोप लगा है। बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया जाना था। बच्चों का भी मन था कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन डांस एवं अन्य में भाग लेने के लिए ड्रेस की जरूरत थी और इस दौरान ड्रेस के लिए शिक्षकों ने बच्चों से घर से पैसे मंगवाए। हालांकि इंग्लिश मीडियम की शिक्षिका मनीषा ठाकुर ने बताया कि हमारे ऊपर जो पैसे लेने के आरोप लगे हैं वह निराधार हैं, पालक के सहमति से मिले हैं, खुद पालक ने पैसे दिए हैं। विजय आत्मानंद स्कूल जब से खुला है एक विवादों के घेरे में है। पहले यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए पैसा लिया गया, अब वो एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों से 250 रुपया लेने की बात हुआ है और ले भी रहे हैं। ऐसा लगता है कि जनभागीदारी जो समिति है उसमें से भी 60,000 रुपये निकाला गया है। हम भी इस स्कूल के जनभागीदारी समिति में थे, कभी भी कोई बच्चे से पैसा लिया नहीं। ये इस संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आपसे पता लग रहा है, और वार्षिक उत्सव में वेशभूषा की व्यवस्था जो है प्रतिभागी लोग स्वयं करते हैं और कहीं किराए से ला के खरीद के करते हैं। इन ड्रेस वगैरह से विद्यालय प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से पहले ही सभी बच्चों को बताया गया है कि आपके लिए ड्रेस मंगवाया जा रहा है बाहर से, उसका रेंट इतना इतना है। पहले सारे अभिभावकों को ये बताया गया है, उनकी सहमति ली गई है, उसके बाद ही ये कार्यक्रम हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो डांस में पार्ट लेना चाहते थे लेकिन वो फीस देने में असहमत थे, तो उसका सारे टीचर्स ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करके उन बच्चों को पार्ट किया है। देखो, सबसे पहले हमारा बैठक हुआ था 24 जनवरी को, उसमें दोनों संबंध में चर्चा हुई थी। एक एनुअल फंक्शन जो वार्षिकोत्सव हर साल मनाया जाता है और 26 जनवरी का जो त्यौहार था उसमें 26 जनवरी की चर्चा हुई, तो कुछ लोग आए नहीं थे, तो कुछ चर्चा उसमें कुछ नहीं हुआ।